पद्मे ॐ मणि पद्मे ॐ मणि पद्मे ॐ। आराम से ही चल रहे भाई, कौन सी तेज चला है, तेज चल रहा है क्या? और कितना लेफ्ट ले लो, ले सकते हैं, ले सकते हैं सीधा, हो गया हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस, यहाँ का तो खारदुंगला टॉप हमने कर लिया है पूरा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ कुल्लू। जो डिस्टेंस है खारदुंगला टॉप से नॉर्थ कुल्लू का, दैट इज 15.3 किलोमीटर्स। एंड गाइस, बर्फ देखिए कितनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है, एंड व्यूज तो एज यूजुअल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अरे गाइस, लुक एट दिस गाय, आई मीन लोग पूछते हैं 100 cc, 125 cc की बाइक में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिस गाय इज डूइंग फ्रॉम मुंबई टू लद्दाख, एंड इसकी जो बाइक है आई थिंक यूनिकॉर्न है होंडा की, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा 125 cc की होगी। सो ये सब हाइट्स पे आने के लिए ना गाइज, आपको एक मोटिव चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपके पास 100 cc की बाइक है या 500 cc की है, 500 cc को भी मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, और 100 cc की बाइक को भी क्रूज करते हुए देखा है, जैसे कि वो सामने वाला बंदा जा रहा है। सो गाइस, खारदुंगला पे बहुत गजब की बर्फ मिली हमको पड़ी हुई, बट गिर नहीं रही है अभी। बट ये जो दर्रे हैं, ये जो साइड साइड में जो है बर्फ के बने हुए, पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा रहा है और अच्छा लग रहा है इनके बीच में से ड्राइव करना। और ऊपर देख सकते हैं तो आप देखो कितनी छोटी छोटी गाड़ियां लग रही है अभी वहीं से, ऊपर से हम आए हैं टॉप से वहां से। और गाइज, एक और अपडेट क्या है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट नो इफ इट इज अ फैक्ट और लाइक मिथ। तो क्या कहते हैं कि मतलब जैसे ये आइस है ना, इसको ना अगर आप ज्यादा टाइम तक बिल्कुल देखते रहेंगे ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट लूज योर आई साइट। एंड अगर मैं बताऊं तो मैंने हल्का हल्का फील किया है, अभी जब हम इतनी देर से बर्फ के बीच में चल रहे हैं, तो जब हम कॉन्टिन्यूसली बर्फ को देख रहे हैं ना, एंड देन उसके बाद लेफ्ट या राइट कहीं देख रहे हैं, तो एकदम धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। सो मे बी इट विल बी अ फैक्ट। एंड ये जो छोटा मोटा जो पानी दिख रहा है, ये जो खड्डे हो रखे हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से है कि दोपहर के टाइम पे जब हम जाते हैं तो ज्यादा धूप की वजह से ये पिघल पिघल के रोड पे आ जाती है, उससे ज्यादा अपने को वाटर क्रॉसिंग्स मिलती है। अभी मिली है, छोटी छोटी है, बट 2-3 मिली छोटी छोटी। आपको फील हो रहा है ऐसा जैसे बर्फ को एकदम कंटिन्यूसली देख रहे हैं और फिर इधर तो देख रहे हैं, तो थोड़ा मतलब विजिबिलिटी 100% नहीं, इल्यूजन टाइप कुछ इल्यूजन टाइप का हो जाता है। हाँ, वही दिमाग भी कम काम कर रहा है ना, तो वो कम काम कर रहा है, हाइट भी है हमारी शायद, ये भी चक्कर है। ये पानी भर सकते हैं, रुको 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 रुको, ये भी भर रहे हैं, गंदा है ये, पीने का पानी है ये, अगर हमको कैन भरना होगा तो भर सकते हैं, यहाँ से भर सकते हैं, भर सकते हैं। ये गंदा होगा, ठीक है सर, ओके थैंक यू। सो गाइज, वी हैव जस्ट रीच नॉर्थ कुल्लू। अभी यहाँ पे दोबारा से हमको अपनी जो परमिट लिया है वो दिखाना है एंड एंट्री करानी है। मतलब बर्फ कितनी पड़ती है उस टाइम पे, जैसे विंटर टाइम पे? हाँ, विंटर टाइम पे कितनी कितनी बर्फ जम जाती है यहाँ पर? तो अभी तो 2 feet ही गिरता है। 2 feet? हाँ, मैक्सिमम 2 feet ही होती है। हाँ, मैक्सिमम पहले तो गिरता था बहुत, अब कम हो गया है। हाँ, अभी बहुत कम हो गया, ये ग्लोबल वार्मिंग है। लेह में भी नहीं गिरा बर्फ बोलते रहते हो? हाँ, लेह में पिछले 1-2 साल से बर्फ नहीं गिर रही है ना। हाँ, अभी इस साल तो नहीं गिरा। हाँ, तो यहाँ बच्चे बच्चे क्या खेलते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। क्रिकेट है, क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, तो थकते नहीं है? थकते नहीं। वो क्या थकेंगे? नाउ कुली सब्सक्राइब चूस, आई एम कुली भाई, थैंक यू भैया। नॉर्थ कुल्लू पे ही बहुत सारे ढाबे टाइप्स या रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खा पी सकते हैं। ये चेक पॉइंट है नॉर्थ कुल्लू का। सो यहाँ पे अभी नीरज भाई गए हैं एंट्री करवाने के लिए। हार्ड कॉपी मांग रहे हैं? हाँ, यहाँ बोल रहे हैं हार्ड कॉपी चाहिए। ओके, साउथ कुल्लू में हमने अपना चल गया था। हाँ,
नॉर्थ पुल्लू में हार्ड कॉपी मांग रहे हैं और सॉस चलते जा रहा जल्दी दे दो। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है अब यहाँ से दैट विल बी खारदुंग विलेज विच इज़ अराउंड 17.1 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पुल्लू। सो गाइज वन मोर अपडेट हेयर, नॉर्थ पुल्लू से जब आप निकलते हैं ना एंट्री करा के उसके बाद से ऐसे ही खराब रोड है, अभी मे बी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला होगा तो उससे पहले जो रोड़ी बिछा देते हैं वो टाइप का रोड है, ग्रेवल्स वाला रोड है। सो अभी तक तो चल रहा है, जब से हमने नॉर्थ कुल्लू क्रॉस किया है अभी तक हमको ऐसा ही रोड मिला है। बाकी जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि कितने किलोमीटर के एरिए के अंदर होगा। बाकी हमने एक लोकल से पूछा था तो वो बता रहे थे कि ये रोड ख़राब है करीब करीब खारदुंग विलेज तक, बट आई डोंट थिंक कि इतना लंबा पैच खराब होगा क्योंकि 17 किलोमीटर है खारदुंग विलेज यहाँ से। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, मजदूर देखो लगे हुए हैं, कुछ एक टाइम में ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना देंगे। सो गाइस अपडेट ये है कि नॉर्थ कुल्लू से करीब 4 किलोमीटर का पैच है जो थोड़ा ख़राब है, ख़राब इन द सेंस बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़े कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको, उसके बाद का रोड ठीक है। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे इस तरीके का रोड है। अभी हमने खारदुंग विलेज क्रॉस कर लिया है और अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है खलसर विच इज अराउंड 23 किलोमीटर्स फ्रॉम खारदुंग विलेज। सो गाइज वन मोर अपडेट दे देता हूँ यहाँ पे, ये जो रास्ते है ना खारदुंग विलेज से खलसर के बीच में, ये रास्ते बहुत नैरो हैं, छोटे रास्ते हैं, ज़्यादा विथ नहीं है इसकी। सो मेक श्योर जब आप इस पर राइड या ड्राइव करें तो केयरफुली करें। सो गाइस फाइनली हम लोग खलसर पहुंच गए हैं और खलसर के अंदर अवेलेबिलिटी बहुत है, इफ़ यू वांटेड टू हैव फूड रेस्टोरेंट है यहाँ पे, स्टे के लिए भी अवेलेबिलिटी है। और अब यहाँ से आगे जाते टाइम ना गाइस हम श्योक रिवर के साथ साथ चलेंगे, जो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लाइक द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ टुडे दैट इज़ डिस्किट, जो कि 22 किलोमीटर से अभी भी यहाँ से, और फिर उसके बाद अपन जाएंगे डिस्किट के अंदर ही डिस्किट मॉनेस्ट्री जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। गाड़ियों के भी अच्छे आपको हमने सीन दिखाए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऑफ रोडिंग पैच जो किया है वो भी आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए गाइस। अगर ये वाला जो रास्ता है यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो पेंगोंग लेक की तरफ चले जाते हैं और यहाँ से जाएंगे तो हुंडर और डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाएंगे। सो अभी हमारे को जाना है डिस्ट्रिक्ट, तो हमने यहाँ से लेफ्ट लिया है। अच्छा वापसी में यहाँ से निकलेंगे। हाँ यहीं से आके। सो गाइस डिस्किट के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट लेना होगा एंड देन 17 किलोमीटर्स में से आपका आ जाएगा डिस्किट। हियर इट सेज डिस्किट, ये रहा एक पेट्रोल पंप। और यहाँ पे खुशखबरी की बात है, एक पेट्रोल पंप भी खुल गया, एक नया पेट्रोल पंप खुल गया है यहाँ पे। डिस्किट के लिए जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं ना आते हुए खारदुंगा टॉप से आते हुए जब डिस्किट के लिए आप लेफ्ट लेते हैं रोड से, तो वहाँ पे लेफ्ट लेते ही राइट हैंड साइड पे एक नया पेट्रोल पंप खुल गया है। दिस इज़ अ न्यू अपडेट गाइस, सो मेक श्योर के आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब जब इतने सारे मतलब पेट्रोल पंप खुलते जा रहे हैं तो बहुत ही सही है। और गाइस यहाँ के जो रोड है ना वो ऐसे करके है, सो अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो कम बाइक पे तो आप आराम से ही चलें, क्योंकि
बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए। देखो हम गाड़ी में, हमारी गाड़ी कैसे हिल रही है देखिए आप, ये मैंने हैंड लूज छोड़ा हुआ है ताकि कैमरा हिले नहीं, तो स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती है GoPro की कि वो दिखाता नहीं है। एंड जिस वाटरफॉल की मैं बात कर रहा था गाइज, वो सामने वहाँ पे है गाइज। अभी जब हम आए हैं ना, तो ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये वाली, यहाँ से होते हुए आए हैं, एंड देन यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए और यहाँ पे हम पहुँचे हैं। वहाँ से वाटरफॉल बहता हुआ इस तरीके से, यहाँ से होता हुआ और इस रोड के अंडर से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ जाके उस जो श्योक रिवर है ना, उसमें जाके मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2018 में लास्ट टाइम आया था यहाँ पे, उस टाइम में, बट सच बताऊँ तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था कि लद्दाख क्या है। पर इस टाइम जब मैं लद्दाख आया हूँ तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने लायक है, क्या क्या चीज़ों में क्या करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेरे पास थी। सो मैंने कलेक्ट की, बहुत पहले से मैंने प्रैक्टिस करी कि क्या क्या मुझे दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। सो ये सारी जो प्रिपरेशन होती है ना, ये आपको बहुत पहले से करनी होती है, रादर देन कि आप एक दिन उठे, प्लान बना, लद्दाख चलते हैं यार, नहीं। लद्दाख आने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए पहले, आपको पता होना चाहिए कितनी हाइट पे है वो जगह, कि वहाँ पे AMS हो सकता है आपको, तो आपको कौन सी दवा लेकर आनी चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको मना कर रहा हूँ कि लद्दाख ऐसे मत आना, पूरी वीडियो देखना उसके बाद आना। एंड मिलता हूँ आपसे डिस्किट मॉनेस्ट्री में। गाइज वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स डिस्किट मॉनेस्ट्री। सो हमने अभी स्टे ले लिया है डिस्किट के अंदर, वो मैं आपको रूम में जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे जब आप डिस्किट मॉनेस्ट्री में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है, जो एंट्री चार्जेस हैं पर पर्सन है 30 रुपये। सो हम दो लोग हैं तो हमको 60 रुपीज़ देना है इनको। कितने लोग हैं? दो लोग सर। ये ऊपर भी जा सकते हैं? जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। वी हैव जस्ट एंटर्ड डिस्किट मॉनेस्ट्री। तो गाइज ये सारा पार्किंग एरिया है, एंड देन यहाँ से आपको ऊपर चढ़ते स्टेयर केस पे, यहाँ से आपको आना पड़ेगा। सो गाइज बिहाइंड मी यू कैन सी डिस्किट मॉनेस्ट्री, लाइक बुद्धा जी का स्टैचू। इट इज़ एंड ओवर 100 feet, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री ओवर हेयर इन नुब्रा वैली। Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum।
that's it guys, this is the end of this video. After spending some time in Diskit Monastery, we headed towards our hotel which was in Diskit. So if you like this video, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel guys. So abhi ke liye bye bye, see you in the next video guys.